तो हेलो राइडर फैमिली, दोस्तों होंडा की एसपी 125 जिसका परफॉर्मेंस टीवीएस राइडर के कंपैरिजन में काफी ज्यादा कम है और लुक्स के मामले में भी होंडा एसपी 125 टीवीएस राइडर को कहीं भी टक्कर नहीं देता है। यही कारण है कि लोग एसपी 125 के कंपैरिजन में राइडर 125 को ज्यादा परचेज कर रहे हैं और मार्केट में डे बाय डे होंडा एसपी 125 की जो डिमांड है वो बहुत ही ज्यादा कम होती जा रही है। तो अब इसी प्रॉब्लम को देखते हुए फाइनली होंडा अब अपनी एसपी 125 के नेक्स्ट जनरेशन मॉडल को इंडियन टू व्हीलर मार्केट में बहुत ही जल्द लॉन्च करने वाला है। होंडा इस बाइक में बहुत सारे नए चेंजेस कर इस बाइक को इंडिया में लॉन्च करेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि कंपनी इस बाइक में क्या कुछ नए चेंजेस कर इस बाइक को इंडिया में लॉन्च करेगी, इस बाइक का प्राइस कितना होगा और ये बाइक इंडिया में कब तक लॉन्च हो जाएगी। तो सारा कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों इंडिया में 125 एक ऐसा सेगमेंट है जहां डे बाय डे कंपटीशन बहुत ही ज्यादा हाई होता जा रहा है। इस सेगमेंट में एक मिडिल क्लास व्यक्ति ज्यादातर बाइक खरीदना पसंद करता है और इंडिया में ज्यादातर लोग ऐसी ही बाइक को परचेज करते हैं जिसका प्राइस भी कम हो और उसमें फीचर भी ज्यादा हो और लुक्स के मामले में भी बाइक अच्छी लगे। यही कारण है कि इंडिया में 125 सीसी के सेगमेंट की बाइकों की ज्यादा डिमांड है, इसलिए सभी टू व्हीलर कंपनियां अपनी अपनी एक से एक बढ़कर बाइक को इंडिया में लॉन्च कर रही हैं। तो वह होंडा भी अपनी एसपी 125 के लुक को कम्प्लीटली चेंज कर इस बाइक में बहुत सारे नए चेंजेस कर इस बाइक को इंडिया में लॉन्च करेगा। तो चलिए जानते हैं कि कंपनी इस बाइक में क्या कुछ नए चेंजेस कर इस बाइक को इंडिया में लॉन्च करेगी। तो दोस्तों जो सबसे पहला चेंज होगा वो होगा इस बाइक की हेडलाइट में। अब कंपनी इस बाइक के फ्रंट लुक को और इस बाइक के हेडलाइट को कम्प्लीटली चेंज कर यहाँ पे आपको नया लुक और नया डिजाइन प्रोवाइड करवाने वाली है। अब इस बाइक में आपको और भी ज्यादा अग्रेसिव लुक देखने के लिए मिलेगा। बाइक की जो फ्रंट की हेडलाइट है उसको अपग्रेड कर DRL के साथ बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करवाया जाएगा जिससे इस बाइक के जो लुक है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों बाइक में जो फेयरिंग स्टाइल है, फेयरिंग का डिजाइन है वो भी बहुत ही ज्यादा पुराना हो गया है। कंपनी अब इस बाइक के फेयरिंग के डिजाइन को चेंज कर अपग्रेड कर इसमें बहुत ही ज्यादा शार्प फेयरिंग डिजाइन प्रोवाइड करवाने वाली है। कंपनी इस बाइक में अब आपको स्पोर्टी लुक प्रोवाइड करवाने वाली है जिससे यह बाइक देखने में बहुत ही ज्यादा स्पोर्टी लगेगी। इसके अलावा दोस्तों बाइक में आपको डुअल स्टेप सीट भी देखने के लिए मिलेगी जो कि इस बाइक को एक परफेक्ट स्पोर्ट लुक प्रोवाइड करवाएगी। इसके अलावा दोस्तों कंपनी अब इस बाइक में बड़े साइज का TFT डिस्प्ले वाला मीटर कंसोल आपको प्रोवाइड करवाने वाली है जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होगा और बहुत ही ज्यादा फीचर लोडेड होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों अब इस बाइक में आपको जो रेयर टेल लाइट है वो भी आपको LED में देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों बाइक में आपको सिंगल चैनल ABS भी ऑफर किया जाएगा जो कि आज के टाइम में सेफ्टी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है और साथ ही साथ बाइक में आपको डिस्क ब्रेक का भी फीचर ऑफर किया जाएगा। इतना ही नहीं दोस्तों इस बाइक के नए मॉडल में आपको राइडिंग मोड्स भी देखने के लिए मिल सकते हैं। और दोस्तों कंपनी इस बाइक को नए कलर, नए ग्राफिक्स और नए फेयरिंग डिजाइन के साथ इंडिया में लॉन्च करेगी जो कि इंडिया में लॉन्च होने के साथ ही तबाही मचाने वाली है। अगर हम इस बाइक के एक्सेप्टेड प्राइस और इस बाइक की लॉन्च डेट के बारे में बात करें तो इस बाइक का जो प्राइस है वो आपको 1,05,000 रुपए के शोरूम प्राइस में इंडिया में अवेलेबल हो जाएगा। और अगर हम इस बाइक की लॉन्च डेट के बारे में बात करें तो वो अभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुई है लेकिन छोटी सी लीक्स निकल कर आई थी। बट अप्रोक्सीमेटली अगर लीक्स के हिसाब से बताया जाए तो ये बाइक आपको अगस्त के महीने में देखने के लिए मिल सकती है, बट अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन आना बाकी है तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। सब्सक्राइब करने का फायदा यह होगा कि अगर इस बाइक का कोई भी ऑफिशियल अपडेट आता है तो सबसे पहले इसकी जो वीडियो है वो हमारे चैनल पर आपको देखने के लिए मिलेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आई है तो आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकते हैं। वीडियो के नीचे एक सुपर थैंक्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आप सुपर थैंक्स देकर हमें फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय।